भारत में वो ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री होंगे जो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, कैसा लग रहा है, क्या कुछ उत्साह है भारतीय जनता पार्टी? मैं ऐसे कहना चाहती हूँ कि पूरा कायनात ने निर्णय कर लिया है, पूरा कुदरत ने निर्णय कर लिया है, प्रकृति ने निर्णय कर लिया है कि हमारे मोदी जी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, चाहे कितने भी विरोधी शक्ति अपना अपना कितने भी चाल चले होंगे, लेकिन इसका कोई फायदा नरेंद्र मोदी जी पर असर नहीं पड़ेगा। बस इनके नेतृत्व में एनडीए के संगठन के साथ ऐसे उज्जवल भारत जिसका उन्होंने चाहा था, हमारा प्रधानमंत्री जी उनके नेतृत्व में ये होकर ही रहेगा। ऐसा भविष्य होगा कि भारत का, कि हम आर्थिक स्तर पे भी अव्वलों के दिखाएंगे। लेकिन मैम, विपक्ष तो लगातार टारगेट कर रहा है इस गठबंधन को, कह रहा है कि ये साल भर भी सरवाइव नहीं कर पाएगा, ये नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस है, ऐसे तमाम बातें, ऐसे तमाम कटाक्ष जो है इस गठबंधन पर किए जा रहे हैं। मैं आश्चर्यचकित नहीं हूँ, क्योंकि कांग्रेस का तो यही चाल रहा, कांग्रेस का ये अनुभव रहा, तजुर्बेदार है कांग्रेस वाले संगठन में, गठबंधन में उनका तजुर्बा है ना कि वो कभी टिक नहीं पाए, तो ये सी तो बात करेंगे ना, वो क्या बात, कोई क्या बात करेंगे, जो जीवन में जिस अनुभव जिसी ने देखा है वही अनुभव तो लोग बात करेंगे। कांग्रेस का यही अनुभव रहा कि गठबंधन में टूटना ही उन्होंने देखा है, तो उसी उम्मीद करेंगे, तो मुझे कुछ आश्चर्य नहीं इस बात पर। तो उनको वैसे ही सोचते रहने के लिए बोलिए, क्योंकि ये जो गंदी राजनीति की चाल करते 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 वो शायद ना थके, लेकिन देश थक गया उनसे, इसीलिए फिर से मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने हैं। ऐसे कहते 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 ये निकल भी जाएंगे, क्योंकि अब की बार ये 5 सालों में उनको समझ में आ जाएगा कि लाखों कोशिश करने पर भी वो कामयाब ना हो गए, क्योंकि मुद्दे लाख सोचे तो क्या होगा, वही होगा जो खुदाया मंजूर होगा।